दोस्तों, भले ही आप एलियन के अस्तित्व पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये बात 100% सच है। हमारी दुनिया से एक अलग दुनिया है जहां पर कुछ लोग रहते हैं। बाकी ऐसे लोगों के बारे में बहुत से लोगों ने अपने साथ घटित हुई चीजें बताई हैं, जिसमें उन्होंने यूएफओ और एलियन का जिक्र किया है। लेकिन अगर हम उन सभी बातों को खारिज भी कर दें, तब भी हम आज आपको असली कैमरे में कैद हुए कुछ एलियंस की तस्वीरें दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप भले उन पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन उनके अस्तित्व को लेकर सोच में जरूर पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं यानी आपका होस्ट हूं दोस्त सैम, आपके फेवरेट चैनल में रियल कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी घटनाएं दिखाऊंगा जो आपको दंग करके रख देंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारी अनोखी वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, अप्रैल 2011 में एक व्यक्ति अपनी बिल्ली का वीडियो शूट कर रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विचित्र प्राणी इस व्यक्ति को अचानक से दिख जाता है और तभी ये अपने कैमरे का फोकस उस विचित्र प्राणी पर कर देता है। लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिखाई देता और अगर हम उस विचित्र प्राणी के साइज और आकार की बात करें तो बिल्कुल एलियन जैसा दिखता है। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी यही कहता है कि उस समय जो चीज झाड़ियों के पीछे थी वो कोई और नहीं बल्कि एलियन था। दोस्तों, सन 2016 में एक युवक को अपनी कार पार्किंग के नीचे कुछ चलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसने अपना फोन का कैमरा ऑन कर दिया और धीरे धीरे कार के पास आने लगा। लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो कार के थोड़ा और पास गया। तभी उसे कुछ इस तरह का जीव दिखाई दिया जो उसकी कार के पीछे से भाग कर दूसरी कार के नीचे छुप जाता है। अब दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए ये जीव कितना विचित्र है। दोस्तों, ब्राजील में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, कुछ लोगों के ग्रुप ने इस अजीब तरह के दिखने वाले प्राणी को कैद करके बैठा रखा है, जिसका मुंह बार बार खुल रहा है और बंद हो रहा है। हालांकि ये लोग इस एलियन को यहाँ पर बैठा कर क्या कर रहे थे इसका पता नहीं चला। लेकिन कुछ भी हो, इस वीडियो से साफ है कि ये विचित्र प्राणी कोई और नहीं बल्कि एलियन था। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट में बता दो। दोस्तों, पेरू के एंडीज माउंटेन में रहने वाले लोगों ने दावा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1975 में उनके इलाके में एक अजीब सा विमान गिरा, जिसमें से उन्हें एक एलियन मिला। हालांकि कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद वो एलियन मर गया और फिर यहाँ के लोगों ने उसका शव रिजर्व रखा और तब रिसर्चर ने यहाँ आकर खुद रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों ने एक मोटे सर वाले अजीब से व्यक्ति का शव एक बक्स में ढककर रखा हुआ है, जिसका आकार हूबहू एलियन जैसा था। दोस्तों, ये वीडियो एक रिपोर्टर ने तब बनाया था जब वो अमेजन जंगल के पास कुछ बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था। लेकिन तभी पीछे से कुछ इस तरह का प्राणी उसे दिखाई देता है, जिसका सर पूरी तरह से गोल था और वो दूर दूर तक किसी भी इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। हालांकि पहले रिपोर्टर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने घर जाकर इस वीडियो को दोबारा देखा तो ये एहसास हुआ कि वहाँ कुछ तो अजीब था। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में बता दो। तो लेक मॉन्स्टर। दोस्तों, अगस्त 2015 में यूके के एक झील के पास एक अजीब सा दिखने वाला शव मिला और इस शव को देखने से ये थोड़ा बहुत तो क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा था। लेकिन अगर इस शव को ध्यान से देखा जाए तो इसे क्रोकोडाइल कहना भी मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि इसकी शक्ल तो थोड़ी बहुत क्रोकोडाइल जैसी दिख रही है, लेकिन इसके सर के नीचे का बाकी हिस्सा बिल्कुल भी क्रोकोडाइल के आकार का नहीं है। दोस्तों, इस अनोखे क्रिएचर वाले शव को झील के पास जिस किसी ने भी देखा वो हैरान हो गया और हर कोई इस अनोखे जीव के शव की तस्वीरें खींचने लगा। और जब रिसर्चर ने रिसर्च की तब उन्हें इस बारे में कुछ खासा जानकारी नहीं मिली। दुयो मारू कारकास। दोस्तों, न्यूजीलैंड के समुद्र में जब लोगों ने जाल फेंका तो उनके हाथ एक 3,960 पाउंड का शव मिला। दोस्तों, शव 32 फुट लंबा था और इस विशाल शव को देखकर हर कोई चौंक गया। वहां के लोगों ने इस विशाल शव को न्यू नेसी नाम दिया। जब इस विशाल शव की तस्वीर वहां के और लोगों तक पहुंची तो लोग हैरान हो गए। और दोस्तों, जिस फिशिंग कंपनी ने इस विशाल शव को पाया था उसने रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि ये विशाल शव शार्क का है जो धीरे धीरे डीकंपोज हो रहा है। ट्राउट लेक मॉन्स्टर। दोस्तों, कनाडा के ट्राउट लेक के पास टहलते वक्त दो कैनेडियन लेडीज को एक अजीब से जीव का शव मिला। दोस्तों, इस अजीब से शव को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये किस जीव का है। हालांकि वो थोड़ा बहुत अमेरिकन मिंक की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका कुत्ते जैसा मुंह इसे अमेरिकन मिंक कहने में भी मुश्किलें पैदा कर रहा था। पर यह बात तो साफ थी कि ये किसी और जीव का शव नहीं है। और इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि आखिर ये शव किसका है, क्योंकि इस जीव से दिखने वाले शव की पहचान करना रिसर्चर के लिए काफी मुश्किल हो गया। वैसे दोस्तों, इस विचित्र जीव के शव को देखकर आपको क्या लगता है, ये कौन हो सकता है? अपना जवाब कमेंट में बताइए। पनामा क्रिएचर। दोस्तों, 2009 के सितंबर महीने में पनामा कोस्ट के पास से कुछ टीनेजर लड़कों को ये अजीब सा दिखने वाला जीव मिला। उन लड़कों ने बताया कि इस अजीब से एलियन की तरह दिखने वाले जीव को जब उन लोगों ने देखा तो वो लोग डर गए और उस जगह से भाग गए। दोस्तों, उन लड़कों की स्टोरी हर जगह फैल गई और फिर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस जगह पर जाकर इस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को अपने लैब में टेस्ट किया और सारे टेस्ट करने पर ये पता चला कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि एक स्लोथ का शव है जिसे वो टीनेजर लड़के एलियन बताकर लोगों को डरा रहे थे। क्रिएचर फाउंड इन अमेजोन। दोस्तों, 2015 के मार्च महीने में एक YouTube वीडियो में इस तस्वीर को दिखाया गया जिस पर साफ साफ लिखा था कि ये क्रिएचर अमेजोन रेन फॉरेस्ट से पाया गया है और इसके अलावा कोई भी जानकारी इस क्रिएचर के बारे में नहीं दी गई। ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर किस चीज का है इस बारे में उस पोस्ट में नहीं लिखा था, लेकिन दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे फोटोशॉप करके बनाया गया है, क्योंकि इस तरह का क्रिएचर तो दूर दूर तक नहीं देखा गया और इसके हाथों पैरों की अजीब सी बनावट ये साफ साफ बताती है कि इस फोटो को हमें मैनिपुलेट करके एडिट करके दिखाया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर इस फोटो को ध्यान से देखा जाए तो ये जंगली बंदर का डीकम्पोज हो रहा शव लग रहा है। वैकांठी माउस। इंसानी शरीर के अंग किसी जानवर के शरीर में उग जाए तो क्या होगा, ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है दिखने में उतना ही अजीब है। वैकांती माउस नामक इस चूहे के पेट में इंसानी कान जैसा आकार बना है। इंसानी कान बेहद नाजुक होने के कारण साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। इस प्रोजेक्ट का काम कर रहे साइंटिस्ट चार्ल्स वैकांती ने गाय के शरीर के टिश्यूज को चूहे के शरीर के नीचे इम्प्लांट कर दिया। इसके बाद इंसानी कान चूहे के पेट के पास निकलने लगे। हालांकि इस कान का यूज अभी तक इंसानी शरीर पर नहीं किया गया। अमेरिकी रिसर्चर चार्ल्स वैकांती के नाम पर इस चूहे का नाम वैकांती माउस रखा गया। ग्लोफिश। ये फिश जिब्रा फिश की मॉडिफाइड यानी संशोधित रूप है जो अंधेरे में चमकती है। असल में 1999 में जियाहोन गोंग और उनके साथियों ने जेली फिश से निकाले फ्लोरेसेंट प्रोटीन को जिब्रा फिश में इंसर्ट कर दिया ताकि एक ऐसा फिश बनाया जा सके जो पानी में पोल्यूशन को पहचान सके। ग्लो फिश पहले लाइट अब्जॉर्ब करती है फिर इसे एमिट करती है, यानी पहले रोशनी को अपने अंदर ग्रहण करती है फिर बाहर निकालती है। इसी वजह से ये चमकती हुई दिखाई देती है। ये बहुत से रंगों की होती है जैसे लाल, हरे, नीले। सी थ्रो फ्रॉग। ये ऐसा फ्रॉग है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है। इस फ्रॉग को ये जानने के लिए साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया कि मेंढक की स्किन से कैंसर कैसे फैलता है, क्योंकि ये फ्रॉग एकदम पारदर्शी है यानी हम बड़ी आसानी से साफ साफ इसकी बोन्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट और बाकी चीजें देख सकते हैं। इस मेंढक की ग्रोथ भी बाकी मेंढकों जैसी होती है, इसी कारण हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि मेंढकों की त्वचा का कैंसर कैसे फैलता है। कामा। कामा एक ऐसा हाइब्रिड है जिसे कैमल और लामा के डीएनए मिक्सचर से तैयार किया गया। हालांकि ऊंट और लामा आकार और प्रकार दोनों में अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के मिक्सचर से तैयार ये जानवर वाकई दिलचस्प है। इस प्रजाति को सबसे पहले 14 जनवरी 1998 में दुबई में तैयार किया गया, जिसे तैयार करने का मूल मकसद ज्यादा से ज्यादा ऊन पाना था। ये प्रजाति तेजी से विकसित हो रही है और हमें ज्यादा से ज्यादा ऊन उपलब्ध करा रही है। सडन डेथ मॉस्किटो।
क्या आप कोई ऐसा मच्छर जानते हैं जो मच्छरों की प्रजाति को कम करते हैं? जी हाँ, ब्राजील के ऑक्सीडेटेड नामक बायोटेक कंपनी ने मच्छरों की बढ़ती तादाद को देखकर एडियस एगिप्टी नाम के नर मच्छर को डेवलप किया। इस मच्छर द्वारा पैदा किए गए मच्छर शिशु अवस्था में मर जाते हैं, जिसके कारण मच्छरों की तादाद खुद ब खुद कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।